लेकिन वो मेरा वो ख्याल वो। है कि मोनानी रही महुल्ला ने तहवील की खिलाफत लिख के ठीक है और उस पर तुर लोगों ने आजमाई की जवाब देने की उन्होंने रही सही कसर पूरी कर दी वो जवाब इतना नाकिस लिखा कि लोगों को यकीन आ गया कि मदूदी साहब का जवाब नहीं चाहे सलाउदी यूसुफ हो चाहे तकीम मतलब उन्होंने जवाब लिख के ना अपनी बेजती में इजाफा करवाया अगर नहमदून अला रसूल करीम अम्माबाद मौजुद साम अमक اللہ وبرکاتہ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और एक अहले सुन्नत में छुपी हुई नई बेड़ जो राफ़ी है मुफ्ती फ़जल हमदर्द इन्होंने गुफ्तू करते हुए कहा कि ये लोग खिलाफत मलूकियत का जवाब नहीं दे सके बल्कि इन्होंने ऐसे नाकिस जवाब लिखे हैं जिसकी वजह से इनकी अपनी बेइज्जती में इजाफ़ा हुआ और इन्होंने अपनी जहालत भी दिखाई है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक गलत मिसाल भी यहाँ पर बयान की है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का रद्द करने के लिए हम इंशाल्लाह चंद किस्तों में आपके सामने थोड़ा सा तकाबुल करेंगे खिलाफत मलूकियत का और शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी साहब दामत बरक़ात मलालिया का आपके सामने इन तीनों बंदों की हकीकत आ जाए एक तो अबुल आला मदोदी की दूसरा मोहम्मद अली मिर्ज़ा की और तीसरी मुफ्ती फजल हमदर्द की लो जी पहली बात सुनिए हमारे सामने किताब है खिलाफत मलूकियत, इसका सफ़ा नंबर है एक सौ चौहत्तर आप इसकी इबारत देखें एक और नहायत मकरूब बिदत हज़रत मुआविया रज़ी अहद में ये शुरू हुई कि वो खुद इस लफ्ज़ को आप गौर से देखें कि वो खुद और उनके हुक्म से उनके तमाम गवर्नर खुतबों में बरसर मंबर हज़रतली पर तर शतम की बौछाड़ करते थे खिलाफत मलूकियत सफ़ा नंबर एक सौ चौहत्तर पर ये बात लिखी है अबुल आला मदौदी ने अब इस इबारत के ऊपर तकी यास्वानी साहब ने जो तबसरा किया है आप वो सुने फिर हम इसके बाद इन शगली बात अर्ज़ करेंगे इस्लाम तकी साहब फरमाते हैं उनकी किताब आपको मालूम मुआविया रजी अल्ला और तारीख़ी हक़ उसका सफ़र नंबर है छियालीस हज़रत ने लिखा एक नंबर के तहत खुद हज़रत मुाविया रजील्ला की तरफ सब शतम की जो नस्बत मौलाना ने की है इसका तो कोई अदना सबूत भी मौलाना के बयान करदा हवालों में बल्कि कहीं नहीं है और इसके बरक्स हज़रत महााविया रज़ील्ला तौ से हज़रतली रज़ील्ला तारीफ़ो तोसीफ़ के जुमले मनकूल हैं यह हज़रत की बात हो गई अब हम पूछते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से और मुफ्ती फ़जल हमदर्द से जो के दोनों हम दर्द बने हुए हैं अबुल आला मदौदी के, के जो लिखा है अबू आला मदौदी ने कि सदना माविया रज़ील् तन खुद बड़ सरे मंबर हजरत अली पे सब वतम करते थे तुम इस पर एक रिवायत पेश कर दो चाहे वो रिवायत सही हो चाहे वो रिवायत हसन हो होफ़ मौजू कबीन की वाकदी की रिवायत ना लाना क्योंकि जब तुम हज़रत मुआविया रजी अल्लाह की फजीलत में ज़यीफ़ रिवायत कबूल नहीं करते तो उनके खिलाफ कैसे ला सकते हो लिहाजा एक सही या हसन रिवायत पेश कर दो जिससे ये बात साबित होती हो कि हज़रत मुआविया रजी अल्लाह तन हो मिंबर पर बैठकर हज़रत अली रजी अल्लाह तर शतम करते थे अगर तुमने ये बात साबित कर दी तो समझो अबुल आला मदोदी सच्चा है तकी यास्मानी साहब झूठे हैं और अगर तुम ये साबित ना कर सके साबित कर भी तुम नहीं सकते तो फिर पता चल जाएगा हर शख्स को अबुल आला मदोदी भी जुटा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी जुटा है और मुफ्ती फ़जल हमदर्द अहल सुन्नत में छुपी बेड़ ये भी जुटा है ये हमारा तुमसे मुतालबा है तुमने इसको पूरा करना है